हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आप आ चुके मेरे और एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि आपको सभी को, मतलब जो मेरी वीडियो डेली देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैं बेटा फिश वगैरह वगैरह पालता हूँ। तो अब गप्पी फिश और बेटा फिश के लिए एक कल्चर कर सकते हो, ठीक है। ब्लड वर्म्स का कल्चर है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताऊँगा आपको कल्चर कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे एक ब्लड वर्म्स है जो मैंने साइड में दूसरे कल्चर से उठाई है। अभी इससे कल्चर कर सकते हो, ठीक है। आपको लेना कुछ नहीं है, आपको बस दो आइटम लेना है। एक तो छोटी सी कैंची लेनी है, एक डब्बा लेना है प्लास्टिक का, और कॉटन लेना है, ठीक है। वीडियो के अंदर पर देख सकते हो कॉटन क्या, जो ग्लास पे रहता है ना, छोटा सा डब्बा प्लास्टिक का, उसके ऊपर करने हैं दो होल कैंची की मदद से। और जो आपका बोले तो कॉटन कपड़ा लेना है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो। कॉटन कपड़ा नहीं, कॉटन कपड़ा ही ले सकते हो, पंच भी ले सकते हो। डब्बे के अंदर फैला देना है। और सिंपल सी बात है कि जो हमारे ब्लड वॉर्म्स होते हैं ना, उनको कपड़े के ऊपर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला मैंने, तो थोड़ा करके इसके अंदर मैं डाल दूंगा। अब वीडियो के अंदर देख सकते हो, मतलब इसको थोड़ा गीला वगैरह करके, यहाँ पे मैंने बीच में थोड़ा सा कर दिया था क्योंकि आपको वीडियो के अंदर दिख सके कि मैंने इसके अंदर ब्लड वॉर्म डाली है, ठीक है। तो इसके अंदर छोटा सा एक होल कर दी, होल जैसा कर दिया, छोटा सा गड्ढा वगैरह। तो इसके अंदर मैं जैसे ब्लड वॉर्म डालूंगा तो एक ही जगह पर ब्लड वॉर्म इकट्ठा हो जाएगी। देर को थोड़ा थोड़ा करके डाल देता हूँ क्योंकि पानी स्पंज जैसे नहीं होता है ना, ये जिस गंज कचरा वगैरह आ रहा है। वीडियो के अंदर देख सकते हो छोटे छोटे ब्लड वॉर्म्स है। देखो एक साथ ही मैंने डाल दिया, एक जगह पे पूरा का पूरा ब्लड वॉर्म्स गिर गया था, ठीक है। फिर से इसके अंदर जो डालूंगा जो ब्लड वॉर्म्स है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हो मतलब कितने छोटे छोटे ब्लड वॉर्म्स रहते हैं। और बेटा फिश के लिए, एक बेटा फिश के लिए मिनिमम 3 ब्लड वॉर्म्स बस हो जाते, ठीक है। ज़्यादा मत खिलाओ क्योंकि ब्लड वॉर्म्स मतलब उतना पेट रहता है उनका, उतना ही खिलाओ। ज़्यादा खिलाने से कुछ एक्स्ट्रा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और मतलब इसमें तो मैंने ना देखा भाई, बहुत टाइम लग गया था ये बनाने में, इतना ठोकर है। और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, एक तो एक लाइक कर देना। इसके अंदर पूरा पानी डाल देना, मतलब आराम आराम से, आराम आराम से पानी डाल देना। और जब आपको काला कलर का डिब्बा दिख रहा है ना, उसके अंदर तो बहुत सारी है, मतलब भाई इतनी सारी है कि क्या बताऊँ। और हाथ से पानी डालना है। आपके पास स्प्रे होगा पानी वाला, तो पानी से स्प्रे कर सकते हो, और आपको ऐसे डेली करना पड़ेगा। और देख सकते हो मतलब यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इनको आपको फीड भी क्या करना है। पहले हम पानी से पूरा पूरा इनको गीला कर लेंगे, पूरा एरिया। अब देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस इसको दबा भी रहा हूँ क्योंकि बहुत उछल रहा है ना, मतलब बस फूला फूला था तो इसको दबा दिया। मेरे को स्पंज का थोड़ा कहीं भी मिला नहीं है तो मैंने यूज़ ही कर लिया, ठीक है। कुछ कुछ स्पंज मिल नहीं रहा था थोड़ा, पर मेरे घर पर नहीं था स्पंज, तो स्पंज में आप ज़्यादा से ज़्यादा करो क्योंकि स्पंज में बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ट्राई करना कि स्पंच ही मिले, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हिला रहा हूँ क्योंकि उंगली से हिलाऊंगा तो मर भी सकती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा फैला दूंगा क्योंकि आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मेरे को फैलाने का कुछ मतलब तो नहीं था, मतलब पर आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा फैला दिया। और आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, मतलब इनको फैला वगैरह देखें, देख सकते हो कितना भाई, कितने छोटे छोटे लिख रहे भाई, इतने इतने। और ब्लड वॉर्म्स है, ठीक है, लाइव वॉर्म्स, लाइव फूड देना चाहिए। आप फिशेस पाल रहे हो तो लाइव फूड जरूर दिए। और भाई देख सकते हो यहाँ पे फीड है, पैरेट फीड है, कौन सा भी आप फीड दे सकते हो उसको। ऐसे फीड डाल देना है ऊपर से, ज़्यादातर डाल लोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगा, पर अब डाल सकते हो, ठीक है। मैंने भी थोड़ा बड़ा डाल दिया था। और यहाँ पे ऐसी जगह पे इसको रखना है जहाँ पे सनलाइट कम आती है, ठीक है, छाव आती है, छाव और धूप, मतलब थोड़ा फास्ट चल जाता है उनको। और इसके अंदर आपको पानी रोज़ डालना है, ठीक है। वीडियो के अंदर देख सकते हो, मतलब ये देखो अभी अगर थोड़ा, अभी तो खाएगी नहीं पर थोड़ी देर के बाद ये खाएगी। और आपका इसको रिजल्ट दूंगा मैं 1 हफ्ते के बाद। मैं एक भी नहीं निकालूंगा इसके अंदर से, और मैं नहीं निकाल भी सकता हूँ क्योंकि अभी बेटा फिश आने वाले हैं तो मेरे को पता नहीं। पर हाँ, आपको डेली के डेली अपडेट इसकी छोटी छोटी करके दे दूंगा वीडियो के अंदर। मतलब यहाँ पे मैं पानी छिड़क रहा हूँ, और पानी आपको ऐसे छिड़कना है, हाथ से छिड़क सकते हो या स्पंज वाली, मतलब मेरे पास वो नहीं थी, ठीक है, मेरे शॉप पे थी, मैं लाना भूल गया तो थोड़ा हो जाता है, ठीक है, कभी कभार तो हो जाता है, तो इसलिए पानी ऐसे हाथों से मैंने छींटे मार दिए थे इसके ऊपर। और ऐसे बहुत देर तक किया था क्योंकि इसको थोड़ा 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 सुखाना पड़ेगा ना, तो एक साथ ही नहीं सूखेगा। तो बहुत देर से मैं इनको सुखाने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको ढक्कन वगैरह लगा दिया। और आप देख सकते हो इसके छोटे होल से आपको दिखाने का ट्राई करूँगा। इस होल से तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, नेक्स्ट होल से देखेंगे आप कुछ दिखता है तो, नहीं इस भी होल से नहीं दिख रहे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना जरूरी होता है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, सी यू।